आइए देखते हैं कॉम स्पेस में एक अच्छा अलमारी कैसे बनाते हैं। इसके अंदर ये अलमारी बना है अच्छे से, थोड़ा जगह हो तो एक बढ़िया अलमारी कैसे बनाते हैं। ये जो रूम है ये देखिए, इसमें ये ड्रेसिंग टेबल बना है, ये ड्रेसिंग टेबल है और इधर ये बेड बना है। ये बेड को पूरा पैलिंग करके तब इसमें बेड बनाया गया है। और ये जो दिख रहा है ये यहाँ पे ये टीवी यूनिट है, और ये जो अंदर है इसी के अंदर ये अलमारी बना है। ये देखिए देखने में नहीं लग रहा है, इसमें ये पाला लगा है, लेकिन ये पूरा वुड स्टार लगा के इसको ये दीवार को पैलिंग किया हुआ है। यहाँ पे ये टीवी यूनिट है, टीवी लगेगा यहाँ पे एलसीडी, और इसका अंदर ये जो दिख रहा है देखिए, ये जो 1 mm का ये ग्रुप दिख रहा है इसी के अंदर ये इसको देखिए इस तरह ये डोर लगा है। इसी रूम के लिए ये अलमारी बना है, छोटा रूम है ये पूरा, इसमें अलमारी बनाया गया है, वार्डरोब अच्छे से ये जो दिख रहा है, ये बहुत कम जगह है लेकिन इसमें अच्छा सा अलमारी वार्डरोब कैसे बनाते हैं। ये जो वार्डरोब दिख रहा है देखिए, नीचे ये स्लाइडिंग वार्डरोब है, इधर ये दो बड़ा पल्ला लगा है स्लाइडिंग वार्डरोब का, और ये बीच में सेंटर में देखिए, इधर ही देखिए बहुत कम जगह है, इधर भी ये कम जगह है। ये जो बीच में दिख रहा है ये भी ये स्लाइडिंग वार्डरोब है नीचे, उसके बाद ऊपर ये बॉक्स बना के एलिंग्स लगा के पल्ला लगाया गया है, और ये साइड में भी इस साइड में ये शू रैक है, और ये जो दिख रहा है एक पल्ला लगा है, इस पल्ले में ऐसे ये खोल सकते हैं। ये अंदर अलमारी बना है वार्डरोब, आइए जानते हैं इसके बारे में कैसे अच्छे से वार्डरोब को बनाते हैं। अभी ये जो वार्डरोब है इसमें स्लाइडिंग डोर लगा है, ये जो स्लाइडिंग डोर है देखिए ऐसे इसको खोल सकते हैं। इसमें देखिए खोलने के लिए स्लाइडिंग को ये G4 फाइल हैंडल लगा है, ये G4 फाइल हैंडल है, एकदम लगाएंगे तो ये डोर के बराबर रहता है, ये आगे नहीं निकल रहता है, दिखने में थोड़ा फिनिशिंग काम रहता है। इस तरह जितना बड़ा पल्ला रहता है उतना बड़ा हम ये G4 फाइल हैंडल लगाते हैं। इस तरह देखिए जितना बड़ा पल्ला है उतना बड़ा ये G4 फाइल हैंडल लगता है। ये G4 फाइल हैंडल कैसे लगाते हैं इसका हम एक वीडियो बनाए हैं, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख सकते हैं कैसे लगाते हैं अच्छे तरीके से। और ये जो स्लाइडिंग डोर है देखिए, इसको खोलना होगा तो इसमें पूरा अच्छे तरीके से स्पेस दिया रहता है, इस तरह इसको हाथ अंदर करके इसको ऐसे आसानी से खोल सकते हैं। इस तरह देखिए खोलने के बाद ये इसको ये खोलने के बाद देखिए इसको 4 भाग में बांटा गया है, ये 3 बॉक्स को ये खाली रखा गया है, जो भी छोटा कपड़ा होगा इसमें हम आसानी से रख सकते हैं। और नीचे ये एक भाग में ये 2 ड्रॉअर चला है, इस तरह देखिए ये ड्रॉअर है, इसको पूरा फिनिशिंग करके बनाया गया है। ये जो ड्रॉअर है इसमें हाइड्रोलिक वाला चैनल लगा है, जब इस ड्रॉअर को खोल के जब छोड़ देंगे देखिए ऑटोमेटिक ये धीरे से जाके बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक, ये इसको दाबने की जरूरत नहीं है, इस तरह छोड़ेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक जाके ये बंद हो जाता है। इस तरह नीचे ये 2 ड्रॉअर चला है, और ऊपर ये 3 बॉक्स बना है सामान रखने के लिए, जो भी इसमें कपड़ा वड़ा रख सकते हैं। और इस तरह ये इसको ये स्लाइडिंग डोर को क्लोज कर सकते हैं। ये जो दिख रहा है ये शीशे के तरह जो ये चमक रहा है, लेकिन इसमें ये शीशा नहीं है, ये प्लास्टिक का सीट आता है, इसको सिलिकॉन से चिपकाया जाता है। ये पल्ले को ये 2 mm का रहता है, इसको पल्ले में ग्रुप मार के तब इसको ये चिपकाया जाता है। ये प्लास्टिक सीट कैसे लगाते हैं इसका वही वीडियो बनाए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, कैसे इसको अच्छे तरीके से लगाते हैं ग्रुप मार के राउटर से। ये देखिए पूरा देखने में शीशे टाइप का दिख रहा है, ये सब प्लास्टिक का सीट है, इसको चिपकाते हैं सिलिकॉन से। और ये जो डोर है देखिए, ये जो स्लाइडिंग का ये डोर लगा है इसमें ये हाइड्रोलिक वाला चैनल लगा है, इस तरह ये जो हाइड्रोलिक वाला देखिए ये चैनल है, इसमें जब ये डोर को जब पल्ली को बंद करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आके इसमें एक ऑटोमेटिक ये बंद या के धीरे धीरे ये जो हाइड्रोलिक है
यहाँ से ये धीरे धीरे इसको बंद करता है इस तरह। अगर इस डोर को बंद करेंगे देखिए तो ये धीरे धीरे आके इसको ये बंद करता है। हाइड्रोलिक लगाने से फायदा है, इसमें डोर में ये आवाज धड़ धड़ का आवाज नहीं आता है। देखिए इस तरह और हाइड्रोलिक को ये बंद करेंगे तो ये धीरे से आके ये हाइड्रोलिक चैनल लगाने से ये फायदा रहता है, ये धीरे से डोर बंद होता है और देखने में भी अच्छा रहता है। इस तरह ये दो इधर ये बड़ा अलमारी का पल्ला बना है और इधर ये देखिए ये बीच में ये दो पाइप लगा है, इसमें जो भी छोटा छोटा कपड़ा होगा हम हैंगर लगा कर इसको टांग सकते हैं। ये जो दिख रहा है ये लकड़ी के बना के ये गोल काट के इसमें ये पाइप लगाया गया है, इस तरह दिखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। और ये जो इधर है एक बड़ा अलमारी है, ये जो बड़ा अलमारी है देखिए पूरा इसमें पाइप लगा है, जो भी बड़ा बड़ा कपड़ा होगा हम इसमें टांग सकते हैं। इस तरह देखिए जब ये स्लाइडिंग डोर को बंद करते हैं तो धीरे से आके ये बंद होता है। और इधर भी ये देखिए इधर भी ये सेंटर में स्लाइडिंग डोर लगा है, ऊपर इसको बॉक्स में बांटा गया है और नीचे इधर भी देखिए इस तरह इसको बंद कर सकते हैं। और ये जो ऊपर दिख रहा है ये सब एल हिंग्स लगा के इसको ये पल्ला लगाया गया है, इस तरह का खुला हो ऐसे इसको हम नीचे से खोल सकते हैं। देखिए एक पल्ले में तीन हिंग्स लगा है ताकि मजबूत रहेगा और इसमें ये बीच में सेल्फ डाला गया है, ऐसे ये ऊपर का सब एक मॉडल का बना है, बीच में सेल्फ डाल के ताकि सामान आराम से इसमें हम रख सकते हैं। और ये जो साइड में एक देखिए एक बड़ा सा ये पल्ला लगा के एक पल्ला है, ये इसको खोलने के लिए हैंडल लगा है इसमें, ये एक डोर में पांच एल हैंग्स लगाए हैं ताकि मजबूत रहेगा, बाद में कोई दिक्कत नहीं होगा। और इधर भी ये पाइप लगा के देखिए एक बड़ा सा इसमें पाइप लगा है, जो भी इसमें बड़ा बड़ा कपड़ा होगा इसको हम सीधा सीधा हैंगर में टांग सकते हैं ताकि इसमें कपड़ा खराब नहीं होगा। और ये जो साइड में है ये साइड में सूर्य एक बना है, देखने में अच्छा लग रहा है, इसको भी ये पूरा पल्ले में और साइड में भी प्लास्टिक चिपकाया गया है सिरकान से, इसको खोल के देखते हैं। देखिए ये चार भाग में इसको बांटा गया है इस तरह, इसमें ये जूता चप्पल हम रख सकते हैं, इसको चार भाग में बांटा गया है। और ये जो पीछे दिख रहा है इसको होल इसलिए मारे हैं ताकि इसमें जो भी जूता चप्पल रखा जाएगा इसका जो भी स्मेल होगा ये बाहर निकल जाएगा, पल्ला खोलने के बाद इसमें स्मेल नहीं आएगा, नहीं तो पल्ला खोलेंगे तो स्मेल आएगा तो थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए होल इसमें मारा गया ताकि जो भी इसमें का स्मेल होगा ये बाहर निकाल देगा। तो इस तरह हम ये कम जगह में एक अच्छा अलमारी बना सकते हैं।